इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला दौरा के अंतिम दिन एक जनसभा को संबोधित किया। हालांकि देखिए इस दौरान बूथ के कार्यकर्ताओं से भी वे सीधे रूबरू हुए, जहां कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले दिनों में स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनेगा। वहीं कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर चंपाई सोरेन ने साफ शब्दों में कहा कि यह संगठन की जिम्मेदारी है और महागठबंधन जो निर्णय लेगा वह सर्वोपरि है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते सरायकेला जहां से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए सीएम चंपाई सोरेन लगातार जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अब इन सब के बीच जब वो बातचीत कर रहे हैं तो आज स्थानीय नीति पर उन्होंने अपना भाषण दिया और साफ तौर पर कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति बनेगी। वहीं एक और बात उन्होंने कही है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या नहीं। उन्होंने कहा है कि ये अब आला अधिकारियों का नेतृत्व है, वे वहां जो निर्णय लेंगे सर्वोपरि वही होगा। तो अब खुलकर 1932 के खतियान पर भी बातचीत हो रही है और अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी अब यह बयान। देखिए निश्चित तौर पर यह अपने आप में बड़ा बयान है और चार दिनों से राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में है। हालांकि आज जो अंतिम दिन है अब थोड़ी देर बाद यहां से राजधानी रांची के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले सरायकेला में एक जनसभा को संबोधित किया और मीडिया सरूबरू होते हुए इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, हालांकि जनसभा में भी कहा कि 1932 का खतियान मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं आज या कल कभी भी जब हम पूर्ण बहुमत में होंगे या केंद्र में हो या यहाँ हो महागठबंधन में, तो निश्चित तौर पे 1932 का खतियान जो है स्थानीय नीति वही उसका आधार होगा। वही दूसरी तरफ कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, कहा है ये तो महागठबंधन के साथ साथ पार्टी का काम है, संगठन जो निर्णय लेगा लेकिन संगठन के साथ साथ महागठबंधन का भी निर्णय इसमें आएगा। तो ये साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा अब नहीं बदल सकता है, इसके लिए महागठबंधन का भी अब निर्णय उनको लेना होगा। उसके बाद कल्पना सोरेन हो या कोई और हो तब मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मनोज देखिए ध्यान देने वाली बात तो ये भी है ना कि अभी विधानसभा चुनाव में समय है और लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के बयान कई मायने हैं इसके। मनोज देखिए निश्चित तौर पे ये देखिए सत्ता एक ऐसा चीज है कि अगर सत्ता किसी को हाथ लग जाए और उसके बाद अगर लगे कि सत्ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका खटास तो मन में रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेकेंड लेयर के नेता है। ये गुरुजी के बाद चंपाई सोरेन का नाम आता है, हालांकि उनका पुत्र हेमंत सोरेन थे गुरुजी का, इसलिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो उसका फायदा इनको मिला, जब वक्त हुआ तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है कि अगर गांडे विधानसभा क्षेत्र से अगर वो जीत जाती है या वहां से लड़ती है तो निश्चित तौर पे वो क्या अगला मुख्यमंत्री होंगी, इस पर इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये तो संगठन का मामला है, हम संगठन के सिपाही हैं। लेकिन अब सिर्फ संगठन ही नहीं महागठबंधन को भी इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन की सरकार चल रही है तो अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा अब ये निर्णय नहीं ले सकती, इसके लिए गठबंधन के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा। तो एक चुनाव और चुनाव में ये इतना बड़ा बयान अपने आप में ये सब निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आना है झारखंड में, ज्यादा दिन का वक्त नहीं है, 6 महीने 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा। तो अब मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो अब ज्यादा दिन का है भी नहीं, क्योंकि संवैधानिक तौर पे जब चुनाव आ जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ये बयान इस वक्त देना 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना, कहीं ना कहीं वो जो ग्रामीण वोटर है, जो यहाँ के स्थानीय वोटर है, जिसे जल जगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, तो उनको अपने तरफ लुभाने का ये भाषण जो है वो साफ कर रहा है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए 1932 आधार स्थानीय नीति की जब भी हम बात करते हैं ये एक ऐसा मुद्दा रहा है हमेशा से और अब अगर चुनाव के बीच वापस से इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है तो जिस तरीके से आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं आदिवासियत को रिझाने की कोशिश है ये साफ झलक रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए कि अब जब चुनाव बेहद नजदीक है तो अब ये बयान सामने आ रहे हैं कि 1932 आधार स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर क्या कुछ सरकार करने वाली है और वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी एक ये बड़ा बयान सामने आया सीएम चंपाई सोरेन का। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।